आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका यह सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनीनगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनीनगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। खैर, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। और मैंने 12 साल तक कुश्ती की के लिए काम किया, अच्छा किया या गलत किया इसका मूल्यांकन समय करेगा, और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं, मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है, तो अब जो भी कहना होगा, सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये नई फेडरेशन करेगी, अभी भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा और खेल मंत्रालय से, विशेषकर खेल मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि हो सके तो इस टूर्नामेंट को करा लें, अपने देखरेख में करा लें, दिल्ली में करा लें, जिससे बच्चों का एक साल बर्बाद ना हो। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार की ही इच्छा पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव संपन्न हुआ, पूरी बॉडी बन गई है, पूरे के पूरे मेंबर चुने जा चुके हैं। अब उनको सरकार से बात करना है या उनको कहीं कानूनी सलाह लेना है तो ये मेरा काम नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। सर, हमने ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। ब्रजभूषण जी, जो लेटर आया उसमें कहा गया है कि WFI का ऑफिस वही है जो जहां पर जिस शिकायत की गई थी, यौन शोषण हुआ वहीं पे फेडरेशन काम कर रही है, तो क्या ऑफिस बदलेंगे? मैं नए पदाधिकारियों से चाहूंगा कि वो अपने ऑफिस की व्यवस्था कर लें, और जब उनके ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो अपना ऑफिस नए स्थान पर ले। शुरुआती दौर से ही ये चल रही है खबर कि संजय सिंह आपके बहुत ही करीबी हैं। देखिए, करीबी तो आप भी मेरे हैं, संजय सिंह भुइयार हैं, और मैं राजपूत हूं, छत्री हूं, तो संबंध हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, कुश्ती से जुड़े हैं वो 15 साल से, तो कुश्ती में कौन ऐसा है जिससे मेरी जान पहचान नहीं होगी।